बड़ी खबर आ रही है, गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को गौरव वल्लभ ने दिशाहीन पार्टी बता दिया। लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और अब उन्होंने इस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ उन्होंने दिशाहीन पार्टी करार दिया है कांग्रेस को। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को, गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ दी है और सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते, ये उन्होंने ट्वीट किया है और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और साथ ही साथ दिशाहीन पार्टी भी करार दिया है। तो आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ये एक्सपोज किया है गौरव वल्लभ ने, तो एक कांग्रेस को झटका चुनावों से पहले लगा है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़े हैं। नीरज, लंबे समय तक कांग्रेस की पैरवी करते रहे, प्रवक्ता रहे, अब पार्टी छोड़ दिया गौरव वल्लभ। देखिए पंकज, बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी को गौरव वल्लभ के तौर पे, क्योंकि लगातार खासकर इकोनॉमिक मसले पे अपनी बात कांग्रेस के मंच से रखते थे और लोकसभा चुनाव के दौरान उनका इस्तीफा देना कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, और खासकर दो महत्वपूर्ण मसलों पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। दो पन्नों के पत्र में जो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा, एक मुख्य बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का जो स्टैंड था और जो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता सनातन के खिलाफ बयानों पर चुप रहते हैं, इसके अलावा एक तरफ तो बात हिंदू धर्म की होती है और दूसरी तरफ जाति जनगणना की बात करते हैं, तो इन तमाम मसलों पे वो विरोधी तौर लगातार कॉरपोरेट के खिलाफ जो बयानबाजी होती है खासकर राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ, इसके बिल्कुल खिलाफ नजर आए हैं अपने पत्र में गौरव वल्लभ। तो कांग्रेस पार्टी के एक और नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, अब देखना होगा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं या फिर अभी कुछ एक तरह से बीच में विराम लेते हैं राजनीति से। लेकिन बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में लगातार ताकत झोंकी हुई है। बिल्कुल, और नीरज आप चूंकि कांग्रेस के गलियारों में अंदर तक पैट रखते हैं, आप ये बताइए कि अब इस तरह से नेताओं के जो छोड़ने का सिलसिला है कांग्रेस पार्टी को, ये बड़ा कंसर्न है, ये ध्यान है बड़े नेताओं? देखिए पंकज, अभी कल विजयन सिंह ने बीजेपी का दामन थमा, उनकी बात चल रही थी कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगे यूपी से, और इस बीच में वो दामन थाम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का। संजय निरुपम पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है, निलंबित किया गया है, और अब गौरव वल्लभ ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो पार्टी के टॉप जो नेता है उनको इस बात का एहसास तो है, लेकिन राहुल गांधी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि वो जाना चाहते हैं, वो चला जाए। हालांकि पार्टी के लिए ऐसे बयान नेताओं के लिए ठीक नहीं होते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर से दूसरे नेता भी अब ऐसे नेताओं के खिलाफ तुरंत सोशल मीडिया पर हावी हो जाते हैं। ऐसे नेता जो छोड़ते हैं पार्टी के अंदर असंतुष्ट होने का या पार्टी के नीतियों के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं, तो इससे नाराजगी लगातार बढ़ती है नेताओं में और वो पार्टी छोड़ते हैं। लेकिन इससे लेकर जरा नीरज ये बताएं कि डिफरेंट फोरम में अपनी आवाज पहुंचा रहे थे या अचानक से नाराजगी तो है नहीं कि एक दिन में ये बात होगी कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? क्या अपनी बात जो है वो बड़े नेताओं तक पहुंचा रहे थे जो उन खुश नहीं थे जिस तरह की कॉर्पोरेट को लेकर बयान हो रहे थे और जो सनातन विरोध जो है वो मैं नहीं कर सकता, इस तरह की बातें कही है गौरव वल्लभ ने अपने ट्वीट में? देखिए ये लगातार कह रहे थे कि पार्टी के लगातार गतिविधियों, खासकर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, देखिए बहुत दिनों से तो मंच पर ब्रीफिंग करते हुए नजर नहीं आए हैं गौरव वल्लभ पंकज, जो हमें याद है। दूसरी अहम बात कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त से उनकी नाराजगी ज्यादा है, और रही बात वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ, तो हमला कांग्रेस की तरफ से पहले भी बोला जाता रहा और खुद इकोनॉमिक मसले को वो उठाते रहे, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का लेकर नाराजगी थी कि वेल्थ क्रिएटर जो कि देश के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, और उनका बैकग्राउंड भी, खुद प्रोफेसर थे, उनका बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ ही था, तो अपनी बात तो रखते थे, लेकिन इस बारे में पत्र में उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन हाँ, अब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष अपनी बात जरूर रख दी, लेकिन सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद। इतनी सारी डिबेट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है गौरव वल्लभ के साथ, जितना मैं उनको जानता हूं काफी सहजता से वो अपनी बात रखते थे, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से तथ्यों के साथ, जैसे आपने उनका बताया कि जो इनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, तो ये बड़ा नुकसान जरूर होता है इस तरह के नेता जब इतने जबरदस्त ओरेटर कोई हो और पार्टी का स्टैंड रखता हो वो छोड़े पार्टी। नीरज
देखिए बिल्कुल इकोनॉमिक मसले पे तो जितने डिटेल्स वो अपनी बातों को रखते थे, कुछ नेता हैं कांग्रेस पार्टी में जितना विवरण वो देते थे इकोनॉमिक मसलों पे, मुझे उनके तमाम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, खासकर पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने वक्त तो लिया था लेकिन तमाम चीजें बहुत बारीकियां से समझाई थी। दूसरी अहम बात, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कॉरपोरेट पर, व्यापारियों पर लगातार हमले किए जाते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि नीरज बता रहे हैं, गौरव वल्लभ का हम जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ी है उन्होंने और काफी एक तरह से असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट पर जिस तरह के हमले हो रहे थे, सनातन विरोधी जिस तरह से बातें हो रही थी, इसलिए मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं, ये एक्सपोज उन्होंने किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिशाहीन पार्टी तक कह दिया।